नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज प्रदोषवत के दौरान, तो क्योंकि जो प्रदोषवत के दौरान शिव जी की पूजा की जाती है और शिव जी को गाजर चढ़ाई जाती है, आपको पता होगा आकड़े के फूल होते हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं और साथ ही साथ जो बेलपत्र हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन खास तौर पे जो गाजर चढ़ाई जाती है और जो भगवान को फल चढ़ाया जाता है, सब्जी चढ़ाई जाती है, वो नहीं खानी चाहिए। जिस बैंगन भी कई लोग चढ़ाते हैं तो बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। और इसी के साथ ही प्रदोषवत के दौरान जो गाजर है उसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई लोग गाजर का हलवा भी बनाकर खाते हैं और काफ़ी जो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, वैष्णव को सबसे ज़्यादा मानते हैं, वो तो गाजर बिल्कुल भी नहीं खाते। उनका मानना ये है कि गाजर जो भगवान को चढ़ाई जाती है उसको नहीं खानी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि गाजर के साथ ही ये भी है कि कई लोग हैं जो गाजर को उपवास के दौरान, व्रत के दौरान प्रयोग करते हैं, जैसे गाजर का हलवा वगैरह बना लेते हैं, लेकिन खास तौर पे ये है कि जो गाजर को है उसको कंद की श्रेणी में कम लिया जाता है। और जो फल कंद की श्रेणी में आते हैं, जैसे कंद की श्रेणी में जैसे आलू है और काफ़ी सब्जियां, उनको कंद की श्रेणी में लिया जाता है, तो उनको आप खा सकते हैं, लेकिन जो गाजर है गाजर को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो ख़ास तौर पर प्रदोष व्रत के दौरान शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है, और आज तो सोम प्रदोष व्रत है जिस दिन खास तौर पर शिव जी की पूजा की जाती है, तो आज के दिन बिल्कुल भी गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि आ रही है तो शिवरात्रि में आपने देखा होगा जब जल चढ़ाया जाता है उसके बाद में गाजर चढ़ाई जाती है भगवान भोलेनाथ को। तो ये थी खास जानकारी प्रदोषवत के बारे में कि प्रदोषवत में गाजर चढ़ाई जाती है, नहीं चढ़ाई जा खानी चाहिए, और शिव जी की पूजा में क्या गाजर का प्रयोग किया जाता है, और खाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। क्या